संतोख सिंह चौधरी सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जलंधर सिटी, और इस बार हम पंजाब के दौरे पे थे तो एम पी साहब से मुलाकात करने का मौका मिल गया, और हम कुछ बातें इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और कुछ इनके बारे में जानना चाहते हैं। सर, आप हमेशा से कांग्रेस में रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, आज और पहले के दौर में क्या बदलाव आया? देखिए, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस आइडियोलॉजी पार्टी, तो आइडियोलॉजी का ही तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है तो नए लोग आते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, तो वैसे ही अब मॉडर्न युग आ गया है, कंप्यूटर युग आ गया है, इसलिए थोड़ा जो वर्किंग स्टाइल है वो बदल गया। आज एक क्वेश्चन हमेशा से पूरे हिंदुस्तान में राइज हो रहा है काफ़ी सालों से, लीडरशिप, राहुल गांधी इज अ लीडर ऑफ योर पार्टी नाउ, हाउ डू यू assume and how do you see in this bigger country at large, can he manage the situation, the things that are happening in the country, can he is capable for that? Dekhiye, Rahul Gandhi bahut bade sangharsh se nikla hai, uske grandfather, uske grandmother, uske father, उन पे जो कुछ हुआ उसने अपनी आंखों से देखा, इसलिए वो गंभीर है, लेकिन मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, मैंने पार्लियामेंट में देखा है, लेकिन उसका बड़ा स्ट्रांग विजन है, उसका कमिटमेंट है, उसमें डिसीजन लेने की ताकत है, अवाम तक पहुंचने की उसमें लगन है। आपने देखा होगा कि जब भी देश में कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई संकट आता है, गरीब के ऊपर अत्याचार होता है, किसान के ऊपर अत्याचार होता है, तो वहाँ कौन पहुँचता है? राहुल गांधी पहुँचता है। सो इसलिए राहुल गांधी, मैं समझता हूँ, एक कंप्लीट पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, और जो बड़ी बेखूबी से देश को लीड कर सकता है, उसमें श्रद्धा है, उसमें कैपेसिटी, उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट हर बार पंजाब में चेंज होती है और आती है, आप भी एक बार मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, कैबिनेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था आपके पास में, अनेकों बार रहे हैं, और आपके पास में हमेशा सोशली डिपार्टमेंट रहा है, जिसमें वुमेन, चाइल्ड हेल्पमेंट, फैमिली वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके पास में, और आज आप अचानक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, तो उस मंत्रालय और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो बीच का रास्ता है उसमें आपका योगदान कहाँ लगा? देखिए, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है, जितने भी मंत्री बनते हैं, चाहे वो स्टेट में चाहे वो सेंटर में, तो वो एक खुशी से इस महकमे को लेता नहीं है, लेकिन हमारी बैकग्राउंड ऐसी है कि मेरे फादर एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, देश के बंटवारे से पहले जो जॉइंट पंजाब था उस सरकार में भी तो MLA थे, उसमें चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी उसके बाद वो जितनी भी सरकार कांग्रेस की बनी उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने लाया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पर इसके साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ भी उन्होंने काम किया, लेकिन उनको उनका एक लगन थी, उनका एक हमेशा कोशिश था कि जो पीछे रह गए और ख़ास करके जो दलित समाज के लोग हैं उनको कैसे प्रमोट करना,
पंजाब की सरकार में रहते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन ऐसे लिए, जैसे कि ये पहली दफा हुआ था कि ये जो दलित समाज है उसको तो घर के लिए भी जमीन अपने नाम टाइटल का उनको राइट नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी ने पहली दफा जितनी भी यहाँ निकासी जमीन थी उसको 5-5 एकड़ दलित समाज के लोगों को अलॉट की, ताकि उनका जो वो ट्रैक्टर का जो झगड़ा वो भी खत्म हो और उनका स्टेटस भी बढ़े, रुतबा भी बढ़े और ये इस काम में। ऐसे बहुत से ये जो आज वजीफे की बात करते हैं हम, तो ये उन्होंने उस वक्त शुरू हुआ, रिजर्वेशन ये सब उनके हाथों से हुआ है। तो मैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे को, मैं और मेरे साथ, मेरे से पहले मेरे भाई भी, हम एक सरकार में, दोनों एक सरकार में, एक कैबिनेट में रहे। उन्होंने भी एक दफा चीफ मिनिस्टर के से रिक्वेस्ट करते हुए वेलफेयर डिपार्टमेंट, और मैंने भी जब मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट में आया तो मैंने उनको कहा, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन सा, आपके पास फूड एंड सिविल सप्लाई रहा है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं आप, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर रहे हैं आप, पावर मिनिस्टर रहे, ये सब पोर्टफोलियो पहले मेरे पास। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी दे। तो मेरे चीफ मिनिस्टर हैरान हुए कि जिनको मैं देना चाहता हूँ तो लेना नहीं चाहते, जिनको मैंने पहले कुछ। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज थे जो मैं समझता था कि अगर मेरे पास ये पोर्टफोलियो होगा तो मैं ही कर सकूँ और भी कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 85 संवैधानिक रिजर्वेशन एक्ट, ये सब ऐसी जरूरतें थी इस समाज के लिए। तो मैंने खुद मांगकर ये पोर्टफोलियो लिया ताकि मैं ये कर दूं, और मैंने किया। तो अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब मैं सोशल सिक्योरिटी था तो मैंने स्पेशल एक डेडिकेटेड फंड बनाया जो कंसोलिडेटेड बजट में होता है, जो स्टेट के एक्सचेंज में, तो उससे बाहर निकाल के 600 करोड़ का डेडिकेटेड फंड हमने बनाया, लीक करके ऊपर टैक्स देना, उससे फिर हम पेंशन देते थे, ओल्ड एज पेंशन, जो एससी बच्चे हैं उनको बुक्स, उनकी यूनिफॉर्म्स, शगन स्कीम्स, उसके लिए बनाया। तो ये मैं समझता है कि ये मैं तो करूँगा, हो सकता है और कोई इतनी डेडिकेशन न करें, क्योंकि ये हमारे फैमिली की रवायती तौर पे ये काम करते रहे।